सो मैं फाइनली कवर हो चुका हूँ फुल्ली इंचेंटेड नेदराइट आर्मर के साथ। वेलकम गाइस टू क्विटर नेशन पे वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं जाने वाला हूँ नेदर के अंदर एंड बनाने वाला हूँ अपने लिए एक फुली नेदराइट आर्मर एंड टूल्स वगैरह, और अगर हो सकता है तो मैं अपने आर्मर में छोटा मोटा इंचेंटमेंट भी लगा लूँगा। तो वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। अगर आप लोगों ने लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना एंड बिना किसी देर को शुरू करते हैं आज का न्यू वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑफलाइन जब खेल रहा था तब ऑफलाइन खेलते खेलते मैं नेदर पोर्टल के सहारे में जेपी भाई के वहाँ पे चला गया था। जेपी भाई का एक जगह है बेस है, तो मैं वहाँ पे गलती से चला गया था, टिपी हो गया था एंड जेपी भाई के वहाँ से मैं बहुत सारे हेबिल वगैरह खाना वगैरह लेके आया हूँ एंड कैरेट वगैरह, और उनको मैं गोल्डन कैरेट में कन्वर्ट किया हूँ। सो जेपी भाई की वीडियो में देख लेना अगर मैं आया हूँ तो। एंड मुझे ये भी नहीं पता जेबी भाई रिकॉर्ड कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती किया, हम लोगों ने पीवीपी किया एंड भाई पीवीपी भाई तगड़ा करता है जेबी भाई। एंड यहाँ से हम जल्दी से अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ा सा खाना वगैरह भी बना लेते हैं, फिर निकलते हैं नेदर की ओर, क्योंकि नेदर यार इतना भी आसान जगह नहीं है। ऑलराइट बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो हम अभी नेदर के तरफ आ चुके हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक क्राफ्टिंग टेबल रखा हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्राफ्टिंग टेबल किसका है, मुझे लग रहा है जेबी भाई का है तो या उनका, ये मुझे लगता है। सो यहाँ से हम लोग सबसे पहले एक चीज़ बना लेते हैं जो कि ये गोल्डन के बूट्स, वरना यार जितने भी हमारे पिगलिन वगैरह देखेंगे हमें मतलब अटैक करेंगे। एंड मैं यार ऑफलाइन खेल रहा था, मैं ऑलरेडी एक बार नेदर में आ चुका हूँ एंड मैं खेल रहा था, फिर खेलते खेलते मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखा जो कि ये बेसन। यस गाइस, मुझे एक बेसन दिखा था तो मैं वो बेसन आपको दिखाऊंगा। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक से वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना। मैं तुम लोगों को लाइक करने के लिए बोलता हूँ बट तुम लोग क्यों नहीं करते यार। सो अभी यहाँ से जल्दी से हम लोग जाते हैं, अपने जितने भी टूल्स वगैरह है, अपने पिकैक्स, अपने एक्स, सबको हम लोग नेदराइट में कन्वर्ट करेंगे। ऑलराइट गाइस, ये रहा हमारा बेसन। ऑलराइट गाइस, मैं आप लोगों को बेसन का थोड़ा सा एक झलक दिखा दिया बिकॉज हम अभी बेसन के अंदर नहीं जाने वाले हैं। मैं पक्का नेक्स्ट एपिसोड में बेसन के अंदर जितने भी गोल्ड्स वगैरह होंगे सारे गोल्ड्स को मैं लेके आ जाऊंगा, बिकॉज मुझे लगता है मेरे इसी एपिसोड में मेरे सारे नेदराइट का आर्मर कंप्लीट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे यूपी के प्रशांत भाई ने भी ज्वाइन कर लिया अपना सर्वर, लगता है वो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें बहुत ही सारे यूट्यूबर्स खेलते हैं, अगर आपको उनका भी वीडियो देखना है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जरूर से उन लोग को जाके चैनल को चेकआउट कर लेना। एंड मैं यहीं से नहीं थमने वाला हूँ, लेट्स बिगिन। जल्दी से देखते हैं हमें कितना मिलता है नहीं मिलता है। अभी मुझे बहुत नीचे डिगिंग भी करना है, क्योंकि मैं सीधा क्यों जा रहा हूँ, अगर मैं नीचे डायरेक्टली डिगिंग करूँगा ओ माय गॉड तुम लोग देख रहे हो मैं अभी गिर जाता भाई, तो इसीलिए मैं नीचे डिगिंग नहीं करूँगा। सो अभी तुम लोग देख रहे हो कि सामने एक घास है एंड मैं अगर ब्रिजिंग करके वहाँ पर जाऊँगा तो ये घास अगर एक भी अटैक करेगा तो मैं इंस्टेंटली नीचे गिर के डैमेज खा सकता हूँ या मर भी सकता हूँ। तो मुझे जल्दी से ब्रिजिंग करना पड़ेगा एंड मुझे जल्दी ब्रिजिंग करना आता है। सो लेट्स गो भाई, ओके लेट्स गो भाई, जल्दी जल्दी सामने चलते हैं, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके ओके भाई, बहुत फास्ट ब्रिजिंग हो रहा है। अरे यार तू हट इधर से, चलो 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 चलो। ओके तो अभी सामने ब्लॉक लगा के आ जाते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ 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 एंड ऑल राइट। सो मैं अभी यहाँ पे आ चुका हूँ इस जगह पे एंड यहीं से नीचे हम लोग डीप डाउन जाते हैं। एंड नेदरराइट में डीप डाउन नहीं होता, मैंने डीप डाउन क्यों बोला, यहीं पे हम लोग डाउन जाते हैं एंड देखते हैं हमारे साथ क्या होता है। लेट्स बिगिन। ऑलराइट गाइस, पूरे के पूरे 20 मिनट के बाद मेरे पास हो चुके हैं बहुत ही सारे एंशिएंट डेब्रीज जो कि तुम लोग देख के चौंकने वाले हो। एंड यहाँ पे मेरे पास जो पोशन है ये मैंने ट्रेडिंग करके लिया है एंड मेरे पास देख रहे हो गाइस 35 एंशिएंट डेब्रीज। एंड मैंने यहाँ पे ऑफलाइन खेल के कुछ ऑब्सीडियन वगैरह डायमंड भी लेके आया था ऑफलाइन खेल के, बिकॉज मुझे बनाना था एंचेंटमेंट टेबल एंड मैं डायमंड ढूंढ के तुम लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। सो मैंने ऑफलाइन खेल के कर लिया था। तो सबसे पहले हम लोग अपने एंशिएंट डेब्रीज को यहाँ पे स्मेल्टिंग होने के लिए दे देते हैं। एंड मैं एक और चीज़ बनाने वाला हूँ, मेरे पास शुगर केन ऑलरेडी है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, मुझे बनाना पड़ेगा। मेरे पास शुगर केन है बट ज़्यादा नहीं है, तो उन लोगों को मुझे बोन करना पड़ेगा बोन बिल से एंड बहुत सारे होने वाले हैं। और राइट सो अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत ही सारे बोन व्हील हो चुके हैं एंड सामने तुम लोग देख रहे हो मेरे पास कुछ शुगर केन वगैरह है, तो इनको मैं बोन करूँगा एंड मेरे पास बहुत ही ज़्यादा होने वाले हैं। एंड वेट इनके ऊपर करना पड़ेगा, लेट्स को ऐसे करके इनको, वेट भाई ये नहीं हो रहा है, ऐसे करके करते हैं। एंड भाई हमारे पास कितना होता है हम लोग देख लेते हैं। ऑलमोस्ट भाई 64 तो होने वाले हैं या फिर नहीं होने वाले हैं, लेट्स सी। एंड यार मुझे कुछ वुड वगैरह को भी ज़रूरत है, तो यहाँ से मैं थोड़े से वुड वगैरह ले लेता हूँ। एंड मुझे एक एनविल भी बनाना पड़ेगा। सो एनविल बनाने के लिए मुझे आयरन की ज़रूरत है, तो एनविल अभी नहीं बन पाएगा, नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर एनविल बना लूँगा। सो यहाँ पे जितने भी वुड वगैरह सारे वुड वगैरह ले लेते हैं, मतलब सारे नहीं कुछ थोड़े से वुड वगैरह ले लेते हैं। एंड लेट्स गो मैन। ओके सो मैं नदर से फिर से आ चुका हूँ। ओके निकलते हैं जल्दी से। एंड मैं नदर फिर से किस ले गया था, मुझे चाहिए था गोल्ड नगेट। सो यहाँ पे मैं बहुत ही सारे गोल्ड नगेट लेके आया हूँ। लेट्स गो, इनको गोल्ड्स में कन्वर्ट करते हैं। एंड किधर है भाई, ओके यहाँ पे चलते हैं। एंड इनको गोल्ड इंगट में कन्वर्ट करते हैं एंड बनाते हैं अपना नदर का आर्मर। लेट्स बिगिन गाइस। सो हमें अभी बहुत ही ज़्यादा, एंड यहाँ पे बनेगा नेदर इंगट। किधर है, ओके ये रहा नेदर इंगट। ओके सो लगता है स्मेल्टिंग हो चुका है। ओके फाइनली हो चुका है। एंड लेट्स गो देखते कितना बनता है। अरे भाई चेस्ट में क्राफ्टिंग टेबल, लेट्स गो। एंड अभी सिर्फ 5 ही बनेंगे, तो 5 से कितना कुछ होता है देखते हैं। एंड मुझे स्मिथिंग टेबल भी बनाना है, तो जल्दी से जाके आयरन लेके आते हैं। लेट्स गो। वेल सो मैंने 2 आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया था। 2 आयरन हो चुके हैं, तो इन 2 आयरन से अभी हम लोग बनाते हैं स्मिथिंग टेबल एंड अपने आर्मर को बना लेते हैं नेदरराइट आर्मर में। भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा गूज़बम्स आ रहे हैं। लेट्स बिगिन। भाई बहुत ही देर से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी कट करते करते लगता है 5 या फिर 6 मिनट का बन ही जाएगा। एंड यहाँ पे अपना आर्मर तो बन ही चुका है, एंड साथ ही साथ अपने टूल वगैरह उसको बना लेते हैं। तो मेरे पास अभी ज़्यादा गोल्ड वगैरह भी नहीं है, तो मुझे नेदर से फिर से जाना पड़ेगा नेदर, एंड नेदर से मुझे फिर से लेके आना पड़ेगा गोल्ड। तो लेट्स गो, मैं चलता हूँ। ऑल राइट गाइस, मैं बहुत टाइम के बाद फिर से आ चुका हूँ। जी आप फिर से टाइम लग गया है मुझे गोल्ड नगेट ढूंढने में। एंड यहाँ पे मेरे पास अभी बनाना है मुझे एक स्वॉर्ड। लेट्स गो। अभी मैंने अपने पिकैक्स को, एक्स को, सारा कुछ नेदरराइट में कन्वर्ट कर दिया है। अभी मुझे अपने स्वॉर्ड को कन्वर्ट करना है, लेकिन एक्स को नहीं किया, अभी एक्स को बनाऊँगा यहाँ पर एक। एंड मैं फुल्ली कवर हो चुका हूँ नेदर राइट में। सो अभी मुझे इन लोगों को इंचेंट करना है, जैसे भी हो मुझे इंचेंट कर लेता हूँ। एंड जितना का भी प्रोटेक्शन मिलता है मिलने दो। एंड मेरे पास यहाँ पे लैपिस भी, अगर होता है तो फ्यूचर में हम खुद का लगाएंगे प्रोटेक्शन एंड खुद का मेंडिंग भी लगाएंगे। तो देखते हैं इन सबको निकालते हैं एंड क्या क्या मिलता है हमें देख लेते हैं। लेट्स गो। सो सबसे पहले हम अपने चेस्ट को अपग्रेड करेंगे। यहाँ पे हमने अपने लैपिस को रखा है, यहाँ पे हमने चेस्ट प्लेट को रखा है, एंड हमें मिल चुका है अनब्रेकिंग 1। उतना भी खास नहीं है, हमें बहुत ही ज़्यादा कम चीज़ें मिल रहा है। यहाँ पे फेदर फॉलिंग 1, यहाँ पे प्रोटेक्शन इतना भी खास नहीं मिल रहा है। चलो बट फिर भी यही से काम चलाना पड़ेगा। मैंने चैलेंज लिया था एंड इसी के साथ मेरा टास्क कंप्लीट होता जा रहा है। एक और पिकैक्स है, मैं शवल को भी कर लेता हूँ। वेट एक्स हो चुका है, अभी मैं अपने शवल को कर लेता हूँ। कहाँ गया, ओके ये रहा मेरा शवल, इसको कर लेता हूँ। एंड मैं अपने पिकैक्स को भी कर लेता हूँ। वेट मेरा पिकैक्स, ओके ये रहा मेरा पिकैक्स। इसको मैं 3 तक, ओके नहीं हो रहा है, 2 तक भी नहीं हो, 3 कर लेते। चलो वो 1 ही कर लिया इसको। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैंने अपना चैलेंज कंप्लीट कर लिया। आई होप इफ यू एंजॉय इस वीडियो पसंद आया तो लोग लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब कर देना, छोटा सा कमेंट कर देना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल द ऑसम, बाय।